दोस्तों, क्या आपको थायराइड की बीमारी है और आप रेगुलरली दवा ले रहे हैं पर फिर भी आपका थायराइड टेस्ट नॉर्मल नहीं आ रहा है? आपकी बाकी सभी जांचें नॉर्मल हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि थायराइड को कैसे मैनेज करें? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप दवा के साथ साथ अपनी डाइट में कुछ बदलाव करके अपनी थायराइड की बीमारी को मैनेज कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जहाँ कुछ फूड आइटम थायराइड हार्मोन को शरीर में कम कर सकते हैं, वहीं कुछ फूड आइटम्स थायराइड हार्मोन को शरीर में बढ़ा भी सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है तो कौन कौन से फूड आइटम्स आपको खाने चाहिए और कौन कौन से फूड आइटम्स आपको अवॉइड करने चाहिए। और इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा फूड आइटम भी बताएंगे जो आप अपनी डाइट में शामिल करके अपने थायराइड फंक्शन को नॉर्मल कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में अंत तक मुझसे जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता डैडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूँ। डैडॉक हेल्थ आपको साइंटिफिकली बैक्ड सही और जरूरी मेडिकल एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी जरूरी मेडिकल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आजकल हर दूसरी बीमारी के लिए एडवाइस की जाती है और सच भी है कि ये दोनों फैक्टर स्वस्थ जीवन का एक अभिन्न अंग भी है। तो जरूरी है कि हम यह भी जानें कि कैसे डाइट हमारे थायराइड फंक्शन को प्रभावित करती है। पर इसके लिए पहले थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो थायराइड हार्मोन T3 और T4 बनाती है और इसका कंट्रोल मस्तिष्क में पाए जाने वाली पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा TSH हार्मोन बना के किया जाता है। थायराइड की बीमारी के डायग्नोसिस के लिए T3, T4 और TSH हार्मोन को ब्लड में चेक किया जाता है और इसी से हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म का पता चलता है। इन दोनों बीमारियों में से हाइपोथायरॉयडिज्म ज्यादा कॉमन बीमारी है। हाइपोथायरॉयडिज्म का सबसे कॉमन कारण है हैशिमोटोस थायरॉयडाइटिस, जहां शरीर का इम्यून सिस्टम ही थायरॉयड ग्रंथि पर अटैक करने लगता है और थायरॉयड हार्मोन का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। इसे डायग्नोस करने के लिए TPO एंटीबॉडी टेस्ट भी कराए जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में थकान, वजन बढ़ना, ठंड लगना जैसे लक्षण मरीज को हो सकते हैं। वहीं हाइपरथायरॉयडिज्म में मरीज को गर्मी लगना, बेचैनी होना, वजन कम होना जैसे लक्षण होते। इन दोनों ही बीमारियों को दवा से कंट्रोल किया जा सकता है, पर अगर हम डाइट में भी कुछ बदलाव करें तो दवाओं का डोज कम भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में डाइट के बदलावों की, कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको डाइट में ज़्यादा क्या शामिल करना चाहिए। इनमें सबसे पहले जरूरी है आयोडीन। आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए सर्वोपरि है और डाइट में आयोडीन की कमी ही सबसे कॉमन कारण है जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। पहले जब लोग सामान्य नमक खाते थे तब इस कमी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म काफ़ी कॉमन था, पर जब से आयोडाइज नमक आया है तब से ये आयोडीन की कमी इतनी नहीं मिलती है। आयोडाइज सॉल्ट के अलावा और भी फूड आइटम्स आप खा सकते हैं जिसमें आयोडीन होता है, जैसे कि समुद्री भोजन जिसमें आते हैं समुद्री एल्गी, मछली, ऑयस्टर। इसके अलावा गेहूं और रागी के छिलकों में भी आयोडीन होता है और तो और डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडे भी आयोडीन में रिच होते हैं। अगला जरूरी एलिमेंट है सेलेनियम, जो थायराइड को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। इसलिए वे फूड आइटम जिनमें सेलेनियम हो आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इनमें आते हैं दालें, अंडे, ब्राजील नट्स, टूना और सार्डाइन मछली। हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीजों को रोज एक ब्राजील नट खाना चाहिए। एक ब्राजील नट में 68 से 91 माइक्रोग्राम सेलेनियम होता है। ब्राजील नट में TPO एंटीबॉडीज का लेवल भी कम करता है, इसलिए यह उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है जिन्हें हैशिमोटोस थायरॉयडाइटिस है। अगली जरूरी न्यूट्रिएंट है जिंक। सेलेनियम की तरह जिंक भी थायरॉयड हार्मोन बनाने और थायरॉयड के फंक्शन में मददगार होता है। जिंक रिच फूड्स होते हैं दालें, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, सीड्स, अंडे, मीट, फिश, होल ग्रेन्स और डार्क चॉकलेट। इसके अलावा थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड भी बहुत जरूरी होता है, जो हमें एक प्रोटीन रिच डाइट से मिल सकता है। इसलिए अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं।
आप दूध लें, चिकन और मटन लें। इसके अलावा आप विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम की कमी भी अपनी डाइट में ना होने दें और समय समय पर अपने डॉक्टर की राय लेकर इनका ब्लड लेवल चेक करवाते रहें। अब बात करते हैं उन फूड आइटम्स की जो हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। इनमें सबसे पहले बात करते हैं गोइट्रोजन ग्रुप के फूड आइटम्स की। गोइट्रोजन थायराइड हार्मोन के उत्पादन में बाधा डालते हैं। ये क्रूसीफेरस फैमिली की सब्जियों में मिलते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, मूली, काले बॉक चॉय, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स आदि। गोइट्रोजन ग्रुप में सोयाबीन और बाजरा भी आते हैं, इसलिए आप सोयाबीन से बने सभी फूड आइटम्स को अवॉइड करें, जैसे कि सोयाबीन की बड़ी, सोया सॉस, टोफू। आपको सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स भी अवॉइड करने चाहिए और गुड फैट्स ही अपनी डाइट में लें, जैसे कि पुफा और मूफा, जो हमें कच्ची घानी तेल से मिलते हैं, जैसे कि तिल का तेल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीजों को ऐसे फूड आइटम्स अवॉइड करने चाहिए जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, जैसे कि प्रोसेस फूड, जैसे कि बैकॉन, सॉसेज, हॉट डॉग, सलामी, जंक फूड जैसे कि बर्गर, फ्राइज, तला भुना खाना जैसे कि समोसा, कचौड़ी, बड़ा पाव, कोफ्ता, बोंडा आदि। स्टडीज में पाया गया है कि हैशिमोटोज़ थायरॉयडाइटिस के मरीजों को ग्लूटेन फ्री डाइट से भी काफ़ी फायदा मिलता है, तो ग्लूटेन फ्री डाइट भी आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें वे सभी चीज़ें आपको नहीं खानी है जिसमें ग्लूटेन होता है, जैसे कि गेहूँ है, जो है, बार्ले या राइस। दोस्तों अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की, कि उन फूड आइटम्स की जो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में खाने चाहिए और जो अवॉइड करने चाहिए। हाइपरथायरॉयडिज्म में आप सभी फूड आइटम्स बिना किसी परेशानी के खा सकते हैं, बस ध्यान इतना ही रखना है कि डाइट में आयोडीन कम लेना है। आयोडीन कम करने के लिए आप आयोडाइज नमक कम कर सकते हैं, सी फूड्स जैसे कि आयोडीन रिच फूड्स आइटम भी अवॉइड करें। तो देखा दोस्तों, डाइट में बदलाव करके आप अपनी थायराइड की बीमारी को भी सुधार सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि थायराइड की बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, ताकि आपका डायग्नोसिस जल्दी हो सके और इस बीमारी का इलाज तुरंत शुरू किया जा सके, इसके लिए राइट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से संपर्क करने के लिए आप ऊपर दिए गए फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा YouTube चैनल द डॉक्टर सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।